बीजेपी आरएसएस के फिलॉसफी को अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा भाई। बुलडोजर भी घर पहचान रहा है, पहचान पहचान के बुलडोजर चलता है, पहचान पहचान के इनकाउंटर होते हैं। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये पूरा जो मामला है ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट स्पॉन्सर्ड। कुछ लोगों के ऊपर हमला होगा, आप पुलिस को बुलाते रहिए, नहीं जाएगा भाई। आखिर हाथरस वाला जो मसला हुआ आपको याद होगा ना, रात में पुलिस सबको जला दिया। तो ये जिनको नहीं समझ में आता, खास तौर से हम दलित पिछड़ों को, खास तौर से दलितों को, कि अभी जो देश में लड़ाई चल रही है वो हिंदू राष्ट्र बनाम भारतीय रिपब्लिक गणराज्य की लड़ाई चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाम भारतीय गणराज्य की लड़ाई चल रही। बीजेपी आरएसएस हिंदू राष्ट्र वाले, हिंदू राष्ट्र वाले का क्या मतलब है? इनका किताब कहाँ से आ रहा है? गोलवलकर से, बंच ऑफ थॉट। उसमें क्या लिखा है? इसका शत्रु मुसलमान है, पहले क्रिश्चियन है, कम्युनिस्ट है, वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है। तो आप समझो कि जो वर्णाश्रम धर्म में विश्वास करता हो, जो मुसलमानों से नफरत करता हो, तो ये तो नेचुरल है, इसमें किसी को अटपटा क्या लग रहा है? जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के दरमियान 100 से ज्यादा बार हेट स्पीच दिए कि नहीं दिए, मंगलसूत्र और मुसलमान और ये खा जाएंगे, लेके भाग जाएंगे, तो उस समय ये पंगु चुनाव आयोग नोटिस किसको दिया? वो बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस दिया, क्या प्राइम मिनिस्टर को नोटिस दिया? ये चुनाव आयोग है कि चुना आयोग है, पब्लिक को चुना लगा रहा है। तो नोटिस दिया बीजेपी के अध्यक्ष को जेपी नड्डा को, और प्रधानमंत्री लगातार बोलते रहे, योगी सीधा हेट स्पीच देते हैं। तो जब स्टेट ही का, राज्य का स्वरूप ही ऐसा है, तो पुलिस तो उनके इशारे पे ही काम करेगी ना, इसमें कंफ्यूजन किसको है? मुझे तो एक एकदम कंफ्यूजन नहीं लग रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इस मामले में जो हमने देखा, एक वीडियो और वायरल हो रहा था कि भाई एक लड़का, कौन मिश्रा है, नाम भूल गया मैं, गोपाल मिश्रा, गोपाल मिश्रा चढ़ के झंडे उतार रहा है, वहां से हरे झंडे या भगवा लहरा रहा है। आप बताइए, ब्राह्मण भारतीय समाज में शीर्ष पे रहे ना, ज्ञान देते रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं। आजादी के बाद 40 साल तक ब्राह्मणों की सत्ता रही, दलित मुसलमान ने वोट दिया, ब्राह्मणों को ही वोट दिया ना। आरएसएस एक धारा थी, एक सेकुलर धारा भी थी। तो कांग्रेस जो है 40 साल शासन की ना, दलित मुसलमान ने वोट दिया, ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनाया, मुसलमानों तो नहीं कहा कि मुझे बनाओ पीएम, दलितों ने नहीं कहा पीएम बनाओ, जगजीवन राम उसमें कद्दावर नेता थे। तो जो ब्राह्मण ज्ञान देने वाला था, समाज के शीर्ष पर था, आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स ने ब्राह्मणों को देखो दंगाई बना दिया। ये तो ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि उनको लेके कहां जा रहा है, दंगाई बना दिया ना। पहले तो ब्राह्मण पीछे रहता था, दलित पीछे डंडा लेके घूमते थे हिंदू धर्म की रक्षा करने, हिंदू धर्म के ठेकेदार के बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड पढ़ते हैं, है ना, इंडस्ट्री चला रहे हैं, और दलित पिछड़े डंडा लेके हिंदू धर्म की रक्षा करने जाते हैं। लेकिन आरएसएस अब इस लेवल पे विकास करा दिया है ब्राह्मणों का, कि जो ज्ञान देने वाला था वो समुदाय अब जाके मुसलमान के घर पे चढ़ के झंडे उतार रहा है, और जो रिजल्ट है सामने है, तो दंगाई बना दिया इसको भाई। मुसलमान के वोट से ही ब्राह्मण इस देश में प्रधानमंत्री बना, आरएसएस ने जैसे उसको एंटी मुस्लिम कर दिया, तब ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनने का सोच भी नहीं सकता है ना, एक दो टिकट के लिए सब पार्टी में एडजस्टमेंट करता रहता है। तो जो ज्ञान देने वाला था, जो बांटने वाला था, अब सुदामा बना दिया मांगने वाला, जाके देखिए चाहे आरजेडी हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, सब में टिकट ही तो मांग रहा है। मोदी जी एजेंडा सेट कर रहे हैं ना, ये बात अलग है कि आरएसएस का एजेंडा दूसरे तरीके से चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो उसमें ब्राह्मण भी दंगाई बनेंगे, खाली दलित पिछड़े नहीं, ब्राह्मणों को लेकर दुख नहीं, हम समीक्षा कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है कि जो ब्राह्मण अपने आप को ज्ञान देने वाला कह रहा था, अब दंगे में जा रहा है। तो ये सोचो, ब्राह्मण समाज समझे, मुझे दुख नहीं, ब्राह्मण समाज समझे ना कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मरने वाला भी ब्राह्मण था, दोनों आरोपी जो स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दे रहे हैं वो भी ब्राह्मण है सर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे कहने का मतलब क्या समझे, कि ज्ञान देने वाला को आरएसएस बीजेपी की राजनीति ने उसको दंगाई बना दिया है। ये तो ब्राह्मण समाज को इस पे चिंतन मनन करना चाहिए। सर्व ब्राह्मण समाज जो मीटिंग होती है ना,
उस पर इस चर्चा कर रहे हैं कि आज तो मान लो कि लोअर मिडिल क्लास का आदमी होगा, बहुत अमीर घर का नहीं होगा, गरीबी है ना, तो अभी तो ये लपटे जो है कहाँ कहाँ बढ़ेंगी कौन जानता है। रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप नफरत परोस रहे हो, और वो तो खाली थोड़ी कि गांव का देख रहा है, वो तो अमीर भी देख रहा है। तो ये लपट जब अमीर ब्राह्मणों पे, बड़े लोगों पे पड़ेगी, तब उनको हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ में आ जाएगा। जी एक कहावत है, किसी को इतना मत दबाओ कि दीवार में चिपक ही जाए। दीवार में जब चिपक जाता है तो फिर उसके पास पीछे जाने का जगह नहीं होता, तो सीधे जो ना टक्कर मारता है। तो इतना आप घृणा फैला दोगे और भी राजसत्ता के संरक्षण में, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली जो आप रोपोगे वही पाओगे। धान रोपेंगे आप सोचेंगे कि उसमें से गेहूं निकले, इसे थोड़ी होता है। बबूल रोपेंगे तो आम निकलेंगे। जो माहौल बनाओगे तो देख लिए, रिजल्ट सामने है। दलित पिछड़े की खाली थोड़ी दंगा में जाएंगे, अब तो ब्राह्मण लोग भी जा रहे हैं दंगा में। हाँ सर, वही दिल्ली में दंगे हुए तब दलित नजर नहीं आए, अब बहराइच में हुए तो वहाँ भी दलित, तो क्या दलित अब समझ रहा है, जागरूक हो रहा है क्या? नहीं, वो तो हो ही रहा है, उसमें आप लोग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा इस लेवल पे तो जागरूक होना ही चाहिए, बाकी जिनको जो करना है करने वालों की गिनती अब दलितों की नहीं आ रही है सर। अरे अब कितना आ रही है नहीं आ रही वो अलग बात है, लेकिन चलिए कम से कम ये समझ में आ जाए कि तुम्हारे लिए बाबा साहब ने क्या कहा था कि मंदिर जाने से आपका उद्धार नहीं होगा। आप अपना ध्यान जो है ना शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित करिए, अध्ययन पर केंद्रित कीजिए। सवाल यह है कि हमारे दलित नेता भी आजकल शिक्षा रोजगार पर नहीं बोलते हैं, खाली हुआ हुआ करते हैं। सर शोभा यात्रा तो आप लोग भी निकालते हैं 14 अप्रैल को, लेकिन हिंदुओं की क्यों हमले होते हैं, पत्थरबाजी होती? शोभा यात्रा निकालते हैं भाई, ऐसा है ये तो जांच का विषय है ना कि आखिर पत्थर चलाने, कई बार आप देखते हैं कि हिंदू हूँ मुसलमान बन के वीडियो बनाता रहता है, नहीं है? अलीगढ़ का था ना, हिंदू था और मुसलमान बन के हेट स्पीच मुसलमानों के बारे में दे रहा है ना, हिंदू बन के। तो ये तो जांच का विषय है ना भाई, हिंदू मुसलमान बन के मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, उस पता लगा बाद में हिंदू है, तो कौन कहाँ पत्थर फेंकवा रहा है भाई? पुलिस प्रशासन क्या कर रही? जब हम लोग यहाँ कंस्टिट्यूशन क्लब में आए, यहाँ आईबी का आदमी होगा, सीआईडी सब होगा, सब होगा। एक जंतर मंतर में धरना करते हैं तो 50 फोन करता है, कितने लोग आएंगे, क्या है प्रोग्राम। और आप इतनी बड़ी जुलूस जा रही है, पुलिस मतलब तो सामने आ गया ना, प्रोटेक्शन दे रही हो, 2 घंटे का टाइम। चलिए शुक्रिया, और कोई सवाल? सर जो आरोपी हैं वो स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में ये कहते नजर आए कि पुलिस से 2 घंटे की बात हुई थी, लेकिन अगर वो गद्दारी नहीं करता दरोगा तो पूरा जो इलाका है उसको हम आग लगा देते, महाराजगंज खत्म हो जाता। चलिए हमको लगता है बाद में पुलिस को ही सजा मिल जाएगी। माहौल बनता है तो ओवरऑल नुकसान सबका होता है। ये अगर आप समझ रहे हैं कि खाली मुस्लिम का नुकसान होगा तो ये हिंदू समाज, ये ब्राह्मण भी या दलित भी, ये समझ ले कि आप मुगालते में हैं, दंगे होते हैं तो सबके घर जलते हैं। जी मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सर, वो 2 दिन तक ये तो बताती है कि राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं कि नाखून नोच लिए गए, आंखों में तिल चुभोई गई, जो कि झूठ था। खुद प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की, डॉक्टर ने की, लेकिन जब स्टिंग ऑपरेशन होता है तो उस पर कोई डिबेट नहीं होती है, कोई भी बड़ी न्यूज उस पर नहीं चलाई जाती है। बात मत करवाओ, कौन मीडिया, जो किसने कहा फोर्थ पिलर, सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है, आम जनता ने सर, नहीं नहीं एक मिनट, सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है कि अपने मुंह या मिट्टू कि हम फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर है। वो अगर फोर्थ पिलर है तो दलाल पिलर है। अच्छा, और ये भारत में बहुत रहा है, बहुत पहले से भी रहा है, इसमें हमारा काम भी है, और इस समय कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के ये आ गया है। तो फोर्थ पिलर बोलो दलाल पिलर है, और उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? या आप जो हेट्रेड फैला रहे हैं, जो उन्माद फैला रहे हैं कि नाखून निकाल लिया और ये कर दिया वो कर दिया, वो तो क्रिमिनल एक्ट है, तो पुलिस और सरकार उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? क्यों? क्योंकि सरकारी प्रोटेक्शन है, पैसा मिलता है, हुआ हुआ करने के लिए पैसा मिलता है। अब 2-4 हजार रुपए लेके कुछ मौलाना लोग भी बैठे रहते हैं वहां पर, मैं भी जाता था ना, पैनलिस्ट था, अब नहीं जाता मैं, मतलब आप लोग यूट्यूब पे बोल देते उतने में काम चल जाता है। हम ये सब वहां जाए क्या करें फालतू जगह पे? 2014 के बाद एक आध बार मैं कहीं बोला हुआ, गोदी फोदी में दिया। संविधानवादी जो लोग हैं, दलाल मीडिया क्या भूमिका निभाएंगे? कौन संविधानवादी लोग हैं भाई, संविधानवादी क्या करेगा? बहस ही करेगा ना, लोगों को आगाही तो करेगा ना, विमर्श ही तो करेगा ना, तर्क ही तो करेगा ना, और क्या करेगा? डंडा लेके वहां जाएगा रुकने?
पता लगा दोनों तरफ से खा गया संविधान, हिंदू भी पीट दिया मुस्लिम भी पीट गया। तो संविधानवादी बुद्धिवादी लोग तो बातचीत ही करेंगे ना, तरकीब देंगे ना, समझाएंगे ही ना, और आप लोग के माध्यम से घर पहुंचाएंगे कि भैया शिक्षा रोजगार पर ध्यान दो, नहीं तो ये सब चक्कर में रहोगे तो जो आरक्षण पारक्षण तो खत्म हो रहा है, मुसलमान को थोड़ी मिल रहा आरक्षण वरक्षण खत्म हो रहा है, आधा तो खत्म ही हो गया, अब बाकी जो है ना संघ के शाखा से आ रहा है उसी का अपॉइंटमेंट हो रहा है। ये दंगा भंगा में पड़े जाकर दुकान खोलो, रोजगार करो, बिजनेस करो, कुछ करो, बच्चों को पढ़ाओ, नहीं तो कुछ दिन बाद अगर यही हाल रहा तो मुसलमान तो नवाब कुछ थे रहेंगे, दलित कौन नवाब था, कौन जमींदार था, कौन जागीरदार थी, तो सीधा कोट टाई उतरेगा और सीधा खेत में जाओ, सुबह से शाम तक हल चलाओ, अब मैडम जो है प्याज और रोटी लेके जाएंगी, सब हल उल चलाओगे, फावड़ा चलाओगे, सब चर्बी उर्बी गल जाएगा, है ना, तबियत ठीक हो जाएगा, ब्लड शुगर प्रेशर सब ठीक हो जाएगा, एकदम नेचर के पास आरएसएस बीजेपी भेज देगा। हाँ, नेचर के पास आरएसएस बीजेपी भेज देगा कि दलित लोगों का तुम लोग का यही अड्डा ठीक है, गाँव में रहो, बिना छत के रहो, गाँव में खटिया बिछाओ, आराम से बिरहा गाओ। शुक्रिया।